In this video, I am discussing about the basic concept of GST. I will discuss the major defects in the previous taxation system and why India needed to adopt GST. That means, what is the rationale behind GST and what are the benefits of GST. So let's get started and start with the FAQs, that is the most frequently asked questions about GST. First is that why we need to pay tax. We need to pay tax because taxes are the basic source of revenue to the government. तो government को जो revenue मिलता है, जिससे कि वो अपनी basic कुछ activities conduct कर सकें. For example, building of infrastructure, providing educational facilities, hospitals, etc., आर्मी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, तो रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है, बेसिक सोर्स है. तो टैक्सेस जो है, दो तरीके से गवर्नमेंट लेती है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि हमारे इनकम टैक्स, जिसमें कि बर्डन ऑफ टैक्स जो है किस पे होता है, ऑन द पर्सन हिमसेल्फ, यानी कि जो इनकम अर्न कर रहा है उसी को ही आगे टैक्स पे करना है. वेयर एज इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी पास्ड ऑन और यू कैन से शिफ्टेड टू अनदर पर्सन. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ मैन्युफैक्चरर, देन मैन्युफैक्चरर जो है आगे रिटेलर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है. मैंने बीच में होलसेलर हटा दिया है, सप्लाई चेन को थोड़ा छोटा करके दिखाया. तो मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग टू रिटेलर एंड रिटेलर इज सेलिंग टू कस्टमर. लेट्स सपोज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 5,000 और रिटेलर जो है इसमें अपना 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड करके इसको 8,000 का बना लिया उसने. तो मैन्युफैक्चरर ने जो है रिटेलर को सेल किया है प्रोडक्ट, प्राइस है जिसका 5,000, इस पे लेट्स सपोज जीएसटी इज पेड एट 10%. 10% पे जीएसटी अगर लगा दी है तो 500 ऐड हो गए इसमें, दिस बिकम्स 5,500. तो रिटेलर को कितने पे करने हैं मैन्युफैक्चरर को? 5,500, जिसमें कि 5,000 तो कॉस्ट है उसकी और 10% जो है जीएसटी है, दैट इज 500 rupees. जब रिटेलर कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसने क्या किया है, 5,000 में अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया 3,000 rupees का, तो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 8,000. अब इस 8,000 पे जीएसटी का रेट तो सेम है, जीएसटी एट 10%, तो अब जीएसटी कितनी हो गई इसकी, 800. कस्टमर को जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ ऑफ 8,800. इस 8,800 में 8,000 प्राइस है प्रोडक्ट का और 800 क्या है, जीएसटी है. कस्टमर ने जो है प्राइस जो पे किया है ऑफ द प्रोडक्ट इज 8,800. अब ये जो 800 जीएसटी है, ये कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रही है, इंस्टेड कस्टमर इज पेइंग दिस अमाउंट टू द रिटेलर. तो पे किसको करना था? कस्टमर को जीएसटी पे करना था, बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु इज़ एक्चुअली यूजिंग दोज गुड्स और बाइंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज. बट इंस्टेड ऑफ पेइंग दिस 800 rupees जीएसटी ऑन दिस 8,000, उसने रिटेलर को ये 800 पे किए हैं. तो बर्डन ऑफ टैक्स जो है कस्टमर से, दिस इज़ पास्ड ऑन टू द रिटेलर. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन है हमारे टैक्स का, वो हम पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में कस्टमर की जो, सॉरी, इसकी जो इनकम है, इसकी इनकम पे जो टैक्स है वो इसको खुद ही गवर्नमेंट को पे करना है. अब देखिए, यहाँ पे 8,800 में से 800 मैंने कहा जीएसटी का अमाउंट है. इस जीएसटी में से रिटेलर ने ऑलरेडी ये 500 अमाउंट की जीएसटी किसको पे कर रखी है? मैन्युफैक्चरर को. तो 800 में से 500 ही हैज़ ऑलरेडी पेड जीएसटी टू द मैन्युफैक्चरर. तो अब रिटेलर को कितनी पे करनी है जीएसटी?
300 rupees की GST गवर्नमेंट को पे करनी है और 500 उसने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे कर रखी है। मैन्युफैक्चरर जो है, जो ये 500 की GST उसको रिसीव हुई है, ये GST मैन्युफैक्चरर जो है आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। सो हेयर द बर्डन ऑफ टैक्सेस पासिंग ऑन। हाउ मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस नाउ, पहले बहुत सारे थे, अब जो है ये सारे सब्स्यूम होके GST में सब्स्यूम हो चुके हैं। और दूसरा जो टैक्स बचता है दैट इज कस्टम्स ड्यूटी। अब केवल ये दो टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। डू आई नीड टू पे GST? यस ऑफ कोर्स। GST इज पेड व्हाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, बट देर इज़ नो नीड टू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। मैंने अभी बताया कि कस्टमर को डायरेक्टली पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसके नाम पे, उसके बिहाफ पे रिटेलर, मैन्युफैक्चरर ये लोग GST पे कर देंगे। लेकिन अल्टीमेट बर्डन किसका है? अल्टीमेट बर्डन यानी ये जो 800 रुपये GST लगे हैं इस प्रोडक्ट पे, ये पे किसने किए हैं? कस्टमर ने पे किए। GST होता क्या है? GST जो है एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पूरी कंट्री पे इक्वली एप्लीकेबल है। इट इज़ कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करें सप्लाई। जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं उस पे जो टैक्स लगता है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसकी सप्लाई पे? अल्कोहलिक लिकर की सप्लाई को छोड़ के बाकी सारे गुड्स एंड सर्विसेज GST के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो गुड है अल्कोहलिक लिकर, ये इसमें से एक्सक्लूड किया हुआ है। किस लिए एक्सक्लूड किया है? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का जो सोर्स है रेवेन्यू का, वो मेजॉरिटी जो है यहाँ से आता है। अल्कोहलिक लिकर को सेल करके स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स अर्न करती हैं, जनरेट करती हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। एंड दी स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर नॉट रेडी टू गिव अप दिस प्रोडक्ट। वो नहीं चाहती कि इससे होने वाली जो अर्निंग है वो किसी के साथ भी शेयर करें। कुछ गवर्नमेंट ऐसी हैं जो कि अल्कोहल फ्री हैं। अल्कोहल फ्री यानी कि वहाँ पर अल्कोहल नहीं खरीद बेच सकते। इंडिया में ऐसी दो स्टेट्स हैं लाइक गुजरात एंड बिहार, ठीक है। और हर एक जो स्टेट है वो अपना शेयर जो है, रेवेन्यू जो है, पूरी की पूरी कंट्री के साथ शेयर नहीं करना चाहती। हर गवर्नमेंट जो अर्न ज़्यादा करना चाहती है तो उन्होंने लिकर पे टैक्स लगा रखा है, जो नहीं करना चाहती उन्होंने उनको उसकी सेल ही बंद कर रखी है। तो ये बहुत ही डिबेटेबल था अल्कोहलिक लिकर का, मतलब सभी गवर्नमेंट्स ने मना कर दिया था जब GST के बिल पास हो रहे थे दैट वी विल नॉट गिव अप लिकर और इसको आप GST में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो GST में से ये अल्कोहलिक लिकर हटा दी गई थी। रीज़न इसका यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा जो है, रेवेन्यू जो है, इससे जनरेट होता है और ये जो है सेंटर या किसी भी स्टेट के साथ इस रेवेन्यू को साझा नहीं करना चाहते थे। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है, ठीक है, यानी कि मोर देन 50% जो इनकम है गवर्नमेंट की वो कहाँ से आती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्स से नहीं आ रही। डायरेक्ट टैक्सेस में तो बल्कि क्या हो रहा है कि डिडक्शन से, एग्जम्पशन से, रिबेट से लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेते हैं, रिड्यूस करके और वो टैक्स से बच जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ऑफकोर्स वहाँ से भी आ रहा है पैसा, लेकिन मेजॉरिटी पैसा जो है, जो गवर्नमेंट जो अर्न करती है दैट इज़ फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लिवाइड ऑन कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ सेल और रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम, ठीक है। तो ये टैक्स जो है गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। देर इज़ नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इट जनरली इंक्लूड्स द टैक्सेस, दस द टैक्स पेयर
डज नॉट फील द डायरेक्ट पिंच वाइल पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस. हम जैसे कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, 20 रुपये का पैकेट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 20 रुपये, तो 20 रुपये दे दिया, हमको लगता है कि यही प्राइस है इसके प्रोडक्ट का, लेकिन इस 20 रुपये में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट टैक्स. तो हमें लग रहा है कि हम टैक्स तो पे कर ही नहीं रहे, हम तो जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो पे कर रहे हैं. तो जहाँ अलग से हमको टैक्स पे करना पड़ता है, हमें बस वहीं दर्द होता है. जहाँ ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है प्राइसेस में, वहाँ हमें लगता है हम टैक्स पे नहीं कर रहे. तो ये जो परसेप्शन है कि हमें चुभ नहीं रहा, हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा, ये हमारी परसेप्शन है. एक्चुअली में तो हमें पे करना पड़ रहा है, यहाँ भी पे करना पड़ रहा है जहाँ पर प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड है, और वहाँ भी पे करना पड़ रहा है जहाँ पर टैक्स प्राइस में इंक्लूडेड ना हो. लेकिन इस केस में जो है, हमें लग रहा है कि हमें टैक्स पे नहीं करना. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये परसेप्शन जो है लोगों की बनी रहती है, इन्फ्लेशनरी नेचर की होते हैं. इन्फ्लेशनरी होता है कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये प्रोडक्ट की प्राइस पे लगाए जाते हैं. तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो टैक्स भी बढ़ जाएगा. अगर पहले प्रोडक्ट 100 रुपये का था, 10% के हिसाब से आपने टैक्स लगा दिया, तो टैक्स बन गया इस पर 10 रुपीज़. ठीक है, अब इसका प्राइस आप बढ़ा दीजिए, 110 कर दीजिए प्रोडक्ट का प्राइस, तो टैक्स कितना हो गया, 11. जैसे जैसे प्राइस जो है प्रोडक्ट का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है हमारा टैक्स भी बढ़ता जाएगा. तो इन्फ्लेशनरी नेचर का होता है, ब्रॉडर स्कोप है इसका. यानी कि इसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है जो कि इंक्लूड ना हो. डायरेक्ट टैक्सेस में तो बहुत से ऐसे लोग होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, फॉर्म्स होंगी, जो कि टैक्स ब्रैकेट में आ ही नहीं रही हैं. लेकिन इसमें कोई भी बच नहीं सकता, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको उसी अमाउंट से टैक्स पे करना है. प्रमोट से सोशल वेलफेयर ऑल्सो. ये कहते हैं जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं इनको हम सिन प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे हम एक ज़्यादा टैक्स रेट अप्लाई कर रहे हैं. तो हार्मफुल प्रोडक्ट पे ज़्यादा टैक्स रेट अप्लाई करने से वो महंगे हो जाएंगे और लोग उसको ख़रीदना बंद कर देंगे और सोशल वेलफेयर हो जाएगा. तो ऐसा गवर्नमेंट का कहना है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में. रियलिटी में देखेंगे तो शायद ऐसा ना हो, पर हाँ, प्रोडक्ट का प्राइस ज़रूर बढ़ जाता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी बहुत जनरेट हो जाता है. रिग्रेसिव नेचर का है इनडायरेक्ट टैक्स. रिग्रेसिव नेचर का मतलब है कि ये जो है अमीर गरीब के बीच में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता. तो देर इज़ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द रिच एंड इकोनॉमिकली चैलेंज्ड, एज बोथ हैव टू बियर द सेम बर्डन ऑफ टैक्स. डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो डिफरेंशिएट करता है. डायरेक्ट टैक्स जितने रिच होते हैं उन पे एक हायर अमाउंट से टैक्स चार्ज करता है, और जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं उनकी इनकम जो है टैक्स फ्री भी होती है, और टैक्स बर्डन जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या अप टू 5 लाख यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स. काफ़ी सारी एग्जेम्प्शंस और डिडक्शंस आपको मिल सकती हैं. सो इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन रिच एंड इकोनॉमिकली चैलेंज्ड. बट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो चाहे गरीब है चाहे अमीर है उस पर सेम रेट से एप्लीकेबल होता है. दैट्स वाई इट इज सेड इट इज रिग्रेसिव इन नेचर. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने को GST क्यों लगाना पड़ा. इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि पुराने सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे. क्या ड्रॉबैक्स हैं वो ड्रॉबैक्स देखिए. सबसे बड़ा ड्रॉबैक कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स. टैक्स पे किया और उस पर फिर दोबारा से टैक्स लग गया, तो डबल टैक्सेशन नहीं बोलते इसको. डबल टैक्सेशन अलग चीज़ है, यहाँ इसको बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्स. तो मल्टीप्लाई हो गया टैक्स. कैसे हो गया, देखो ये दो सिनेरियोज यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं. पहला है, ये पुराना सिस्टम एक्सप्लेन किया जब एक्साइज ड्यूटी होती थी. सो इंक्लूजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन द वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वैट क्रेडिट. जब हम
इसको मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है। मैन्युफैक्चरर जो है एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर सकता है फ्रॉम द नेक्स्ट पार्टी टू होम द पर्सन इज सेलिंग। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसकी 90-90 दोनों ही केसेस में, ये ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम है और ये जीएसटी है। तो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 90 रुपीज़, उसमें उसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो प्रोडक्ट का जो प्राइस हो गया मैन्युफैक्चरर का प्राइस है दोनों ही केसेस में क्या है 100। पुराने सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर जो है उसको पे करनी है, तो उसने जो है वो 10% से लगा के टोटल वैल्यू बना दी 110। नए सिस्टम में इस तरह की कोई ड्यूटी नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिमेन्स 100। एक्साइज ड्यूटी जो है दिस इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट इट इज चार्ज बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये जो CGST है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, SGST जो है स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप टैक्स देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी 10% से जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 10%। GST के केस में देखें तो सेंटर के पास 10% है और स्टेट के पास भी 10% है, लेकिन फिर भी फाइनल वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न देखिए, मैंने कहा यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी ऐड हो गई, एक्साइज ड्यूटी ऐड हो गई तो ये 110 रुपीज़ का हो गया। उसके बाद इस पे 110 पे, नॉट 100, 110 पे वैट लगा, जिसके कारण 11 रुपीज़ जो है इसमें ऐड होके दिस बिकम्स 121। यहाँ पर जबकि जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो 100 ही रही क्योंकि एक्साइज ड्यूटी लगी नहीं थी। एक्साइज ड्यूटी ना लगने के कारण ये 100 का ही रहा, और 100 का रहने से उसके बाद इस पे 10% CGST 10% SGST लग के जो है इट बिकम्स 120। तो ये सस्ता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स सिस्टम, यानी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बड़ी नहीं, वो कुछ ना कुछ कम रही। टैक्स रेट ऑलमोस्ट वही है, 10% सेंट्रल को मिल रहा है, 10% स्टेट को मिल रहा है दोनों ही केसेस में, फिर भी कंज्यूमर पे जो बर्डन आ रहा है, कस्टमर पे जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है GST के केस में एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। रीज़न बीइंग कि यहाँ टैक्स पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, यहाँ पे ये जो टैक्स का अमाउंट था इस पे हमको दोबारा टैक्स नहीं देना। सेंटर को पे किया हुआ टैक्स स्टेट को पे किए हुए टैक्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए मैन्युफैक्चरर ने ये 10 रुपीज़ जो है चार्ज किए हैं और प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड। अब देखिए, जब होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया है तो क्या प्राइस हुआ, दैट बिकम्स फाइनल वैल्यू क्या होगी, 121 नहीं है, फाइनल वैल्यू कितनी है 110। क्यों? क्योंकि वो भी वैट चार्ज करेगा और ये वाला वैट जो है इस वाले वैट के साथ वो सेट ऑफ कर लेगा। यहाँ पर जो है वो 12.1 नहीं, हम इसको 12 रुपीज़ बोल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपीज़ जो है चार्ज कर रहा है ये आगे जो होलसेलर है रिटेलर से वैट चार्ज कर रहा है 12 रुपये, और वो ऑलरेडी 11 रुपये पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को। तो 11 रुपये उसने पे कर दिया और 1 रुपया जो है यहाँ से जो चार्ज कर रहा है दैट विल बी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, जो कि उसने रिटेलर से चार्ज कर लिया। तो रिटेलर को जो फाइनल वैल्यू है वो ये मिल रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इसलिए यहाँ पे 110 रखी है, 121 नहीं रखी, क्योंकि ये जो है वैल्यू का पार्ट नहीं है, ये तो यहाँ से इस वाली वैल्यू से सेट ऑफ हो सकता है, वैट जो है वैट से सेट ऑफ हो जाएगा, और जो इंक्रीज्ड अमाउंट है यानी 1 रुपया जो बड़ा हुआ है ये अमाउंट जो है होलसेलर गवर्नमेंट को जमा करा देगा, क्योंकि 11 रुपये वो ऑलरेडी पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को और 12 रुपये उसने कलेक्ट किए हैं रिटेलर से। लेकिन एक्साइज ड्यूटी कहीं भी सेट ऑफ नहीं हो पा रही, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही चार्ज कर सकता था, होलसेलर या रिटेलर भी आगे जो है कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता एक्साइज ड्यूटी, तो इसलिए वो एक्साइज ड्यूटी कहीं सेट ऑफ नहीं होती। सेट ऑफ नहीं होती तो वो वैल्यू का पार्ट बन जाती है, तो यहाँ इस वैल्यू का पार्ट बन गई, और यहाँ पर क्योंकि एक्साइज ड्यूटी थी नहीं तो वो वैल्यू जो है 100 की 100 ही रही। तो यहाँ पर भी वो वैल्यू 100 ही है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का और कोई टैक्स जो है वैल्यू में ऐड नहीं हो रहा।
तो जब वैल्यू में ऐड नहीं हो रहा, कॉस्ट में ऐड नहीं हो रहा, तो उस पर टैक्स ऐड नहीं हो रहा, तो टैक्स पे टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ किस पे टैक्स लग रहा है, जो एक्चुअली कॉस्ट है उस गुड की। और यहाँ पर हम किस पे टैक्स लगा रहे हैं, इन दोनों केस में ये 10 रुपये जो है, जो कि एक तरह का टैक्स था, उस पे भी हम टैक्स लगा रहे हैं। और उस पे भी हम उस टैक्स पे जो टैक्स दे रहे हैं, तो उससे एक कैस्केडिंग ऑफ टैक्स जिसको हम कहते हैं, उससे क्या है, जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, प्राइस है जो प्रोडक्ट का, वो बढ़ जाता है। तो फाइनल कंज्यूमर, जिसको कि अल्टीमेटली टैक्स देना है, उसको एक बढ़ा हुआ टैक्स देना पड़ता है ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में एज़ कम्पेयर टू GST। दूसरा क्या सिनेरियो है, लेवाई ऑफ CST इन केस ऑफ इंटर स्टेट परचेज। अगर इंटर स्टेट परचेज हो रही है तो CST रखती है, यानी सेंटर जो है वो CST रखती है और स्टेट जो है वो वैट चार्ज करती है। जब इंटर स्टेट परचेज हो रही है, परचेज एंड सेलिंग हो रही है, तो देखिए कैसे करते हैं ये। मान लीजिए देयर इज अ पर्सन ए जो बी को सेल कर रहा है, बी आगे सी को सेल कर रहा है, बी जो है स्टेट को बिलोंग करता है दिल्ली, ये भी दिल्ली को बिलोंग करता है, और ये एक डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करता है हरियाणा। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये इंटर स्टेट है, और यहाँ जो ट्रांजेक्शन है ये इंट्रा स्टेट है। तो इंटर स्टेट जब ट्रांजेक्शन हो रही है तो CST चार्ज करेंगे, और ये CST जो है, जो ओरिजिन स्टेट है, वो अपने पास रखेगा CST। ठीक है, तो हरियाणा ने CST लगाई, अपने पास रखेगा वो। तो फिर आगे जब ये दिल्ली में जब ट्रांजेक्शन होगी, यहाँ पर वैट लग जाएगी। वो कहता है कि ये जो CST जो लगाई है आपने प्रोडक्ट पे, 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट था, इस पे लेट सपोज 2 रुपये की CST लग गई, तो ये हो गया 102 रुपये का। आगे फर्दर जब ये इसने इसको बेच दिया 100+ CST करके, ठीक है, और ये CST कहाँ चले गई, हरियाणा गवर्नमेंट को। फिर जब ये प्रोडक्ट दिल्ली में आया, दिल्ली जब ये सेल हो रहा है, तो ये अब लेट सपोज उसने प्राइस रखा है इसका 150, बी ने जो है सी को सेल किया है 150 पे, तो वैट लगा दिया लेट सपोज 5% से वैट लगा दिया इस पर, तो वैट लग गया इस पर 7.5 रुपये, और ये हो गया इसका प्राइस 157.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वैट जो लगा है 7.5 रुपये, ये जब आगे बेचेगा तो उस पर वैट लगा के बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ये वाला वैट है, ये इस वाले वैट से ये तो सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 रुपये हैं जो कि हरियाणा गवर्नमेंट को दे रखे हैं, जब ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुई थी, ये कहीं भी सेट ऑफ नहीं होगा। तो ये सेट ऑफ ना होने के कारण क्या होगा, इस पे जो टैक्स लग रहा है, टैक्स पे जो टैक्स लग रहा है, 2 रुपये का क्या है, ये टैक्स है CST, इस पे जो फर्दर हमें टैक्स देना पड़ रहा है, ये कैस्केडिंग ऑफ टैक्स है। यानी कि जो अब ये जो सेट ऑफ है, जहाँ सेट ऑफ नहीं होता टैक्स, तो वहाँ पर कैस्केडिंग होती है टैक्सेस की। सेट ऑफ कहाँ कहाँ नहीं होता, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों बीच में फंस जाती हैं, यानी सेंटर ने अलग टैक्स लगा रखा है, स्टेट ने अलग लगाया है, तो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस सेट ऑफ नहीं होते। सब अपनी अपनी पॉकेट में टैक्स रखते हैं, आपस में सेट ऑफ नहीं करते। जहाँ दो स्टेट्स के अगर टैक्सेस आ जाएं, तो वहाँ भी सेट ऑफ नहीं हो पाता। ठीक है, विद इन स्टेट भी कई बार टैक्स सेट ऑफ नहीं हो पाता, क्योंकि टैक्स का नेचर अलग है। जैसे सर्विस टैक्स हो गया और दूसरा वैट हो गया, तो नेचर ऑफ टैक्स बदल जाने के कारण ये भी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो जब सेट ऑफ नहीं होते, तो टैक्स पे हमको टैक्स देना पड़ता है, तो जिसके कारण जो है, ये जो हमारा पुराना सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, ये एक ड्रॉबैक रही है इसकी। तो पहला ड्रॉबैक मैंने बताया कैस्केडिंग, दूसरा ड्रॉबैक है नो सेट ऑफ बेनिफिट फॉर स्टेट टैक्सेस, यानी कि काफ़ी सारे जो है टैक्सेस जो है लगा रखे हैं स्टेट्स ने, लाइक लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो सारे के सारे वैट के अंदर सबस्यूम नहीं हो रखे। तो इतने सारे टैक्सेस होने के कारण, और आपस में वो सेट ऑफ भी नहीं होते,
तो वैट भी देना है, कहीं लग्जरी टैक्स देना है, कहीं सर्विस टैक्स देना है, कहीं एंटरटेनमेंट टैक्स देना है, तो इतने सारे टैक्सेस में जो है काफ़ी ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, मैंने बताया कि स्टेट आपस में, दो स्टेट्स के टैक्स सेट ऑफ नहीं होते, सेंटर और स्टेट के टैक्स सेट ऑफ नहीं होते, अगर उनकी नेचर अलग है टैक्सेस की तो वो आपस में सेट ऑफ नहीं होते या वो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, तो कस्टमर से तो सर्विस टैक्स ही चार्ज करेंगे, यू कैन नॉट चार्ज वैट, लेकिन उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपको कुछ गुड्स खरीदने पड़ रहे हैं जिस पे कि गुड्स पे आप वैट दे रहे हैं, तो जो रिटेलर है, रिटेलर जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सर्विस दे रहा है कस्टमर को, कस्टमर क्या पे कर रहा है, ओनली सर्विस टैक्स, पर ये जो रिटेलर है जो कि ये सर्विस दे रहा है, ये सर्विस देने के लिए उसको आगे क्या पे करना पड़ रहा है, वैट, क्योंकि उसने कुछ गुड्स खरीदे हैं वो सर्विस देने के लिए। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस टैक्स दे रहा है इसको, ये सर्विस टैक्स तो आगे जमा हो जाएगा, लेकिन ये जो वैट दे रहा है ये तो ये कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाया, चार्ज नहीं कर पाया तो वो किस में ऐड होगा, उसके प्रोडक्ट के प्राइस में ही ऐड हो जाएगा, तो इसलिए जो है ये एक्स्ट्रा यानी लॉस है एक तरह का। अल्टीमेटली द बियर विल बी, बर्डन विल बी शेयर्ड बाय ओनली कस्टमर, लेकिन कस्टमर को एक हायर बर्डन इसमें लग रहा है। देन डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन क्या होता है, कई बार हम हमारी जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो उन पे वैट भी लग जाता है और सर्विस टैक्स भी लग जाता है दोनों। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हम जो खाना खाने जा रहे हैं तो खाने पे, फूड पे वो गुड हो गया तो वैट लग गया उस पे, और क्योंकि वहाँ के एम्बियंस को हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो सर्विस टैक्स भी लग गया, तो दोनों ही टैक्स लग गए, डबल टैक्सेशन हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ड्रॉबैक्स हैं हमारे पुराने सिस्टम के। इन सभी ड्रॉबैक्स को जो है जीएसटी ने कवर अप किया है, इसलिए हमने जीएसटी